इतना गजब का न्यू कलेक्शन आया हुआ है ना मार्केट में, जिसे देख के दिल खुश हो रहा है। पाकिस्तानी सूट का कलेक्शन वाला जवाब है वहां पे, इतना सस्ता माल है और इतना प्यारे प्यारे गरारा शरारा है यहाँ पे, ब्राइड्स के लिए भी और नॉर्मल गर्ल्स के लिए भी है। और इतनी न्यू न्यू टाइप की फ्रॉकें आई हुई है गाइज, इतना न्यू माल है ना इस टाइम पे, न्यू कलेक्शन लाजवाब। शरारा गरारा प्लाजो सेट लहंगा साड़ी गाउन और पाकिस्तानी ट्रेंडी ट्रेंडी सूट इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, इतने खूबसूरत और इतने सस्ते में ना। इस बार का ईद का कलेक्शन इतना ज्यादा प्यारा हुआ है ना मार्केट में, जिसे देख के ना दिल खुश हो जाएगा। कॉटन के सूट भी यहाँ पे इतने सस्ते और इतने अच्छे मिल जाएंगे, फुटवेयर्स भी इतनी सस्ती और इतनी अच्छी मिल जाएंगी, जिसे देख के ना खुश हो जाओगी आप लोग। बच्चों का कलेक्शन से लेकर बड़ों तक के कलेक्शन बहुत अच्छे हैं, ब्राइड्स के कलेक्शन एवरीथिंग बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड बेल बॉटम भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 400 रुपए मिल रही है। हाय जानू, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपना फैमिली व्लॉग्स। और मैं हूँ आप सबकी प्यारी एक राई, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्यारे तो आप लोग हुई। सो जानू मैं महविश आप्पी के घर आई हूँ, मैं और अर्शी, क्योंकि अर्शी को कुछ काम है महविश आप्पी से इसलिए। और अभी अर्शी तो आई थी, आपने देखा होगा वो व्लॉग, अर्शी की इंगेजमेंट डे पर अर्शी यहाँ आई थी। एंड अर्शी और मैं जाने वाले हैं सिलमपुर मार्केट, जानू आप सबके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ सिलमपुर मार्केट का ईद का न्यू कलेक्शन की वहाँ पर क्या कलेक्शन आया हुआ है। और मैं बहुत ज़्यादा खुद एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए, देखने के लिए कि क्या कलेक्शन आया, थोड़ा मेरे भी नजरों में निकल जाएगा कि वहाँ क्या क्या कलेक्शन है, तो मेरे को भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कपड़ों के लिए ईद की क्या करना चाहिए। सो या जानो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करेगा। सो या जानो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जानो हम मार्केट आ चुके हैं और इतनी ज्यादा भीड़ थी ना मार्केट में, ऑफकोर्स हो गया ईद भी आने वाली है हमारी। एंड इसी लाइन में सीधा चलते चलते ना हमें यहाँ पे फुटवेयर की शॉप मिली है, इस लाइन में ना आपको यहाँ पे फुटवेयर ही मिलेगी, आसिफ ड्राई फ्रूट की शॉप के बराबर में ही ये वाली शॉप मिल जाएगी आपको। इस लाइन में ना काफी फुटवेयर की शॉप मिलती है एंड पता है गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, आजकल ये ट्रेंड में भी काफी चली है, 250 एंड 300 400 के अराउंड मिल जाएगी। एंड उसी ही लाइन में ना लेफ्ट हैंड पे आपको मिलेगा यहाँ पे सूट का एक स्टॉल मिल जाता है, यहाँ पे ना 300 में ये सूट मिल रहे थे, मुझे ना ठीक लगा बस इतना ज्यादा नहीं, बट अंकल ने मुझे वीडियो बनाने नहीं दी तो मैं आपको और दिखा दी। एंड सीधा ही आपको ना अंदर मार्केट के अंदर जाते जाते आपको ये फिर अगेन यहाँ पे फुटवेयर्स मिल जाएंगी, ये भी काफी ना अच्छी लगती है पहनने के बाद, बैठना मैंने जब इसको देखा ना मुझे ऐसा लग रहा था कि खुल जाएगी, और ये मुझे ना 250 रुपीस में मिल रही थी। और उसके ही थोड़ा सा आगे चल के हमें यहाँ पे प्लाजो सेट कुर्ता मिल जाएंगे, 350 रुपीस में मिले थे 350 रुपए के। एंड जो सामने फ्रॉक वाले वो 550 के मिल रहे थे, बट नहीं गाइस पैसों इन मतलब जितना प्राइस है ना बहुत ही ज्यादा महंगा था, इतना कुछ अच्छा भी नहीं था। एंड थोड़ा सा आगे चलते ही ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगी बेल बॉटम, यहाँ पे 450 की बेल बॉटम्स मिल रही थी। एंड मैं आप लोगों को इतना दूर से क्यों दिखा रही हूँ वो आपको ना आगे ही व्लॉग में देखने को मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि क्यों मैं इतने दूर से आपको दिखा रही हूँ। और पूरी कोशिश करी मैंने आपको दिखाने की, हाँ मैं कहती हूँ कि आप यहाँ से ना बेल बॉटम ले सकते हैं, इतने ही प्राइस में मिलते और अच्छी थी। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का कलेक्शन भाई इतना ज्यादा बेहतरीन और इतना अच्छा था, 100 रुपीज में मिल रही थी, ये तो ले लेना यार, जाके दबा के खूब लेना, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और ये ऑनलाइन भी ना पता है बहुत महंगी मिलती है, यहाँ सिर्फ 100 रुपए में मिल रही थी। एंड जानो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के बराबर में ही ना आपको वहाँ पे सूट मिल जाएगा, मतलब प्लाजो सेट मिलेगा वहाँ पे, जो फ्रॉक टाइप में कुर्ती होती है ना उस टाइप का मिलेगा, और 250 में मिल रहा था, बहुत ही अच्छा, एक मैंने भी लिया है। और यहाँ पे ना बच्चों के कलेक्शन भी बहुत ज्यादा, छोटे छोटे बच्चों के लिए बड़े प्यारे प्यारे कपड़े मिल रहे थे, और ये वाली फ्रॉक ना मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी थी, बट इस टाइप की मैंने इन्नू के बर्थडे पे दी थी उसको, और काफी अच्छा था, मिल जाएगा आराम से गाइस। देखो 500 तक का तो मिलेगा ही मिलेगा, इतने का तो आता ही, इससे कम का क्या लोगे, और इससे कम का मिलता ही कहाँ है अब आजकल। और छोटे छोटे बच्चों के लिए पता है छोटे छोटे से लहंगे थे वहाँ पे, साड़ी वगैरह भी थी, आप देख सकते हो साइड में कितनी क्यूट लग रही है वो साड़ी, पर इन्नू के लिए मैंने सोचा, बट मैंने कहा यार छोड़ो मुझे पता है गर्मी रहेगी वो पहनेगी नहीं और परेशान हो जाएगी, काफी अच्छा था, छोटे छोटे बच्चों के लिए काफी कलेक्शन है वहाँ पे। और यहाँ पे एक ये ना मुझे ब्लैक कलर का ये गाउन टाइप की ड्रेस दिख रही थी मुझे ना, पता है ये अंदर से एक पता नहीं एक स्लीव से निकल रही थी, वो अच्छी नहीं लगी थी, बड़ा अजीब सा लग रहा था, जादुई टाइप का लग रहा था। ये भी 600 तक में मिल रहा था वहाँ पे, मैंने पूछा था प्राइस। और यहाँ पे ना इन अंकल से हमने पहले ना पिछले साल बहुत सारे इयररिंग्स खरीदे थे, 30-40-50 में इतने में मिल जाते, जो आजकल जो होते ना कोरियन टाइप के वैसे में थे। एंड ये फिश कट में ना ड्रेस मिल रही थी, नीचे थोड़ा सा ना लुक इसका गरारे वाला दे रखा था इसके प्लाजो का, और ये ना कितने का था, हाँ 550 तक का था, 500-550 रुपए का मिल रहा था। और उसके आगे ही थोड़ा सा चल के ना हमें यहाँ पे मिल जाता है गाइस हैवी सूट, पाकिस्तानी हैवी सूट, आप देख सकते हो कितना ज्यादा खूब
खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको ना सिर्फ एक एक इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हाँ वहाँ पे इस तरीके का है। यहाँ पे पता है सिंपल भी मिल रहा था और हैवी भी मिल रहा था, 1100, 1200, 1600, 700, 800, 900 इस रेंज में मिल जाता है आराम से। देखो पाकिस्तानी पता है हैवी होता है ना, तो गाइस वो इस प्राइस में ही मिलेगा। एंड यहाँ पे गरारा भी बहुत ज्यादा था, एक अंदर की तरफ एक मार्केट लगती है, मैंने हम वहां नहीं दिखाया बट नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना मैं पक्का दिखाऊंगी। ये गरारा वगैरह मिल रहा था 1200-1300 रुपए में मिल रहा था, थोड़ा बहुत ना ये बार्गेनिंग कर लेंगे, आप जाओगे तो पक्का करेंगे, ऐसा नहीं है। और बहुत ही ज्यादा अच्छा कलेक्शन था गाइज इस बार का, कॉटन के सूट भी बहुत अच्छे थे, जिसे होता है ना कि कोई गर्मी मतलब नहीं पहन पाता है, गर्मी लगती है उन्हें ऐसे सूट वगैरह पहन के, तो कॉटन के भी बेस्ट मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे मैंने बहुत दूर से गाइज इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे वहां कोई वीडियो बनाने ही नहीं दे रहा था, मैं बस वहां जाके प्राइस पूछ के यहाँ पे आ गई थी। ये जितनी भी ड्रेसेस मिल रहे हैं ना आपको दिख रही है यहाँ पे, ये सिर्फ 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1300, 1400 इस रेंज में मिल रही थी। हाँ मुझे पता है थोड़ा सा इस बार एक्सपेंसिव है बट यार अच्छा कलेक्शन है, अच्छी क्वालिटी है। साड़ी टाइप की ड्रेस मिल रही थी, गाउन थे, फ्रॉक थे और प्लाजो था एंड गरारा भी था। मैं कहती हूँ अगर आप मुझसे पूछो ना तो मैं तो कहती हूँ आप लोग गरारा बनाओ इस ईद पे, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ना एक न्यू ड्रेस आई थी, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी, आगे देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक फ्रॉक है, मैं अभी वो आपको आगे दिखाती हूँ, वो महवी शापी ने ऑनलाइन मंगाई थी और आपने देखी भी होगी अभी तक उसके हॉल में। एंड गाइस जो मैं आपको ड्रेस दिखाने वाली हूँ वो है ये रेड एंड ये ब्लैक कलर में, ये ना वहां का सबसे न्यू कलेक्शन है और बहुत ही अच्छा था, देखने में कितना ज्यादा हैवी लग रहा है बट ये हैवी नहीं है। जब मैंने इसके पास जाके इसको जब मैंने छुआ था ना पकड़ा था, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही हल्का है भाई, 2000 रुपए में मिल रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहती हूँ कि आप इसको जरूर ले लें यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रॉक वगैरह भी थी, बहुत हैवी में थी गाइज, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, 2000 रुपए में मिल रही थी, प्लीज ले लेना। एंड यहाँ पे कॉटन की फ्रॉक वगैरह भी मिल रही थी 500-600 रुपए में, बेस्ट है, लेना चाहो तो आप ले सकते हो। मैं और यहाँ पे ना लड़कों के लिए कुर्ता वगैरह का भी यहाँ पे ना कपड़ा मिल जाता है, कुर्ता मिल जाता है, तो आप लड़के भी चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं। मैं इस ड्रेस की बात कर रही थी गाइज, अब आप देखो कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके जो सारे कलर है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, स्पेशली एक ब्लैक कलर बहुत पसंद आया और ये जो पिंक सा कलर है ना, ये पिंक कलर, गाजरी पिंक, ये भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बहुत ही अच्छा था गाइज। मैं कितनी तारीफ करूं, मैं और ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकती, आप वहां जाओगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। आप बोलते हो शॉप नहीं दिखाती हूँ, मैं एक ही लाइन में चलती हूँ, एक लाइन में चलते चलते ही मैं हर जगह पहुंच जाती हूँ, तो ऐसे ही सेम आपके साथ होगा। और यहाँ पे देख सकते हो प्लाजो सेट वगैरह भी मिल रहे थे। और ये ड्रेस मत लेना जिसकी अभी मैं यहाँ पे एरो लगा रही हूँ, ये मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई और मे भी क्या पता आप लोगों को आ जाए। ये ऑरेंज फ्रॉक है, ये भी महवी शापी की फ्रॉक से बिल्कुल मिलती जुलती फ्रॉक लग रही थी, बहुत अच्छी थी। मैं कहती हूँ ले लो, बेझिझक होके ले लो, परेशान नहीं होगे, बहुत खुश हो जाओगे, मजा आ जाएगा। अगर मेरे से पूछा जाए तो आप ये ऑरेंज कलर छोड़ के ये मोवी पिंक कलर ले लेना, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। एंड सामने ही ना वो जो मैंने अभी ड्रेस दिखाई आपको, उनके सामने एक शॉप है, यहाँ पे ना आपको पाकिस्तानी सूट मिल जाएंगे और एक गरारा सेट यहाँ पे मिलेगा, जो हैवी होता है ना ब्राइड के लिए, यहाँ पे आपको वो गरारा सेट मिल जाएगा। उनकी न्यू न्यू शादी हुई ना वो ले लेंगे तो और मजा आएगा। अभी नेक्स्ट टाइम मैं जब दोबारा आऊंगी ना आपको एक कलेक्शन दिखाने के लिए न्यू अगेन, तो मैं अंदर की मार्केट में दिखाऊंगी, वहां पे ना मैं ब्राइड्स के लिए भी दिखाने वाली हूँ गाइस, वहां पे बहुत ही और भी ज्यादा अच्छा कलेक्शन होता है। अब आप देखो रोशनी में कितना अच्छा लग रहा है, नया ड्रेस बहुत अच्छा था गाइस, मैं बहुत तारीफ कर चुकी हूँ, अब नहीं करूंगी, मैं तो बोलती हूँ अब जरूर ले लेना, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और जो फ्रॉक मैंने ऑरेंज वाली बताई थी उसमें आप ये मोवी पिंक कलर लेना, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, आप देख सकते हो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना। वैसे जब हम कपड़े सिलवाते हैं वो भी हमारे इतने ही रेट में बैठ जाता है, तो क्यों ना हम रेडीमेड ही ले लें। और गाइस पता है हर किसी ने यहाँ पे एक ही प्राइस रखा हुआ था, मींस अगर एक शॉप वाला 2000 दे रहा है तो दूसरा भी दो में ही लगा रहा था, तो आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग कर लेना। एंड यहाँ पे ना थोड़े ये जयपुरी टाइप बोलते हैं ना इस डिजाइन को, जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पे ये भी कलेक्शन था, मैंने देखा आजकल ये भी ना काफी ट्रेंड में चल रहा है, सिंपल सा था, कॉटन में था और हल्के हल्के से इस पे स्टोन लगे हुए थे, अच्छा था। ये भी 600-700 रुपए में मिल रहा था और मे भी थोड़ा सा और मिल जाएगा, मे भी आप अपना अपना बजट ना, आप एक सूट का तो कम से कम 800 या 900 रुपए का लेके चलना, मैं पहले आपको बोल रही हूँ इस चीज को। और इसके बाद हम लोग घर के लिए अपना निकल चुके थे, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मैंने सामान लिया है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आप देख लेना। तो चलो जानो अब हम आपको घर पे मिलते हैं। सो यस जानो हम लोग घर पे आ चुके हैं। एंड कल मैं व्लॉग ना कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को ना मतलब हालत बहुत ज्यादा खराब थी
और इस वजह से मैं आके खाना वाना खा के सो गया था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं नानी के घर पे हूँ, तो मैं दिखाता हूँ कि हम वहाँ से ना सलमपुर से क्या क्या लेके आए हैं। तो वहाँ से ना हमने एक ये फ्रॉक कुर्ता लिया था खाला के लिए, इसका पजामा है, एक ये प्लाजो है, प्लाजो पैंट है, एंड ये उसकी कुर्ती है, ये फ्रॉक वाली कुर्ती है जो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। मैं अम्मी जी के लिए भी लेता ना, बट ये ना और साइज़ में थे ही नहीं, यही साइज़ और खाला के बिल्कुल परफेक्ट साइज़ आया है। और ये मे बी 250 का, हाँ ये 250 का मिला था, 250 के अकॉर्डिंग ना कॉटन का है और बहुत अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, मैंने अपने लिए भी नहीं लिया और अम्मी जी के लिए भी नहीं लिया। मेरे तो चलो आ ही जाता, मेरा और फिटिंग वगैरह आती, पर अम्मी जी के बिल्कुल नहीं आता, तो एक ये लिया था 250 में मिला था, बहुत अच्छा है। और गाइज यहाँ पे मैंने इनके लिए कुछ टॉयज़ लिए थे, एक ये लिया था, ये टी सेट वाला जो होता है वो, एंड ये गन ली थी इनू के लिए, क्योंकि इनू को यू नो टॉयज़ कितने पसंद होते हैं छोटे छोटे बच्चों को, लिए थे। ये 30 रुपीज़ का मिला था, 30 रुपये का ये मिला था, 30 रुपये का ये लिया था। एक इजहान के लिए ऐसा लिया था, एक किचन सेट लिया था, एक ढोल लिया था उसके लिए, तो वो तो बहुत खुश है। तो ये इनू के लिए लिया है, जब मैं घर जाऊँगा तो मैं ये लेके जाऊँगा। एंड उसके अलावा ना हमने कुछ भी नहीं लिया, एक और हमारे साथ एक आंटी गई थी यहीं नानी के घर से, बट उन्होंने जो लिया था उन्होंने लिया अपना, और हमने उसके अलावा कुछ नहीं लिया, क्योंकि बस मैं यहाँ पे ना आपको मार्केट दिखाने के लिए गई थी न्यू कलेक्शन ईद का कि क्या क्या आया हुआ है, बट मैं सब कुछ पूरा नहीं दिखा पाई। आई नो बहुत ही छोटा व्लॉग है मे बी, और क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी वीडियो बनाने ही नहीं दे रहा था, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी ना वहाँ पे, ज्वेलरी वगैरह इतनी अच्छी थी, ऑक्सीडाइज में इतना ज़्यादा अच्छा था ना, बट किसी ने मुझे वीडियो बनाने नहीं दी। जहाँ मैं वीडियो बनाने जो थी कैमरा खोलने जा रहा था, तभी मेरे को बोल दिया कि नहीं नहीं यहाँ पे वीडियो मत बनाओ मत बनाओ, ऐसा ऐसा बोलने लगे। तो बताओ, जहाँ मैंने बहुत कोशिश करी है ना, मैंने ज़्यादा सारी वीडियोज़ ना बहुत दूर दूर से बनाई है, जूम कर करके आप लोगों को दिखाया है, क्योंकि वहाँ कोई बनाने नहीं दे रहा था। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम मैं फिर जाऊँ, क्योंकि अभी और जाएंगे। वहाँ पे काफ़ी अच्छा मुझे कलेक्शन इस बार का लगा पिछले बार के मुकाबले। वहाँ पे ना मतलब जो मैंने आपको ड्रेस दिखाई थी, मे बी यहाँ पे एक फोटो शो हो जाएगा, वो ना देखने में ना इतनी ज़्यादा हैवी लग रही थी, दूर से जब मैंने देखा ना बहुत ही ज़्यादा हैवी था, और जब मैंने पास से जाके देखा ना इतना ज़्यादा सॉफ्ट था, इतना हल्का था ना वो, 2000 रुपये में मिल रहा था, बहुत अच्छा लगा मीन्स। और पाकिस्तानी कलेक्शन तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, बट मैंने आपको ना इस वीडियो में मेन चीज़ें दिखा दी कि हाँ वहाँ पे ना इस तरीके का कलेक्शन आया। जब आप मार्केट में एंटर करोगे ना तो आपको वो दिख ही जाएगा वहाँ पे सब कुछ कलेक्शन। और अभी मैं और आपको आगे जाके इंशाल्लाह कलेक्शन दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता है अभी तो बाजार के चक्कर लगते ही रहने हैं, तो मैं आपको आगे चल के और कलेक्शन अच्छे से दिखा दूंगा। अभी जैसा दिखाया प्लीज उससे काम चला लेना, पता है कितना लोग बोल रहे थे ना मुझे वीडियो बनाने दे दो, उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा यार चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को ऐसे दूर से दिखाने के लिए। तो पता है वहाँ पे ना मुझे एक सब्सक्राइबर भी मिली थी, आई मीन वो ना एक अम्मी थी, मीन्स आंटी जी थी एक, तो वो मुझे मिली थी। फर्स्ट ना मैं वहाँ पे ना वीडियो शूट कर रहा था, कपड़े दिखा रहा था आप लोगों को, तो मतलब ना मेरी ना नज़र उन पे गई, वो मुझे घूर के देख रही थी और अर्शी भी उन्हें देख रही थी। अर्शी मुझसे कह रही यार देखिए ना घूर घूर के क्यों देख रही है, तो हमने थोड़ा चलने लगे, वो भी आगे चलने लगी, बट वो मुझे तब भी देख रही, मैंने मास्क लगा रखा था, वो तब भी देख रही थी। तो वो मेरे पास आके बोली कि आप महविश की बहन हो ना, हाँ मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ, ऐसा ऐसा बोलने लगी। मुझे ना इतना अच्छा लग रहा था उनसे मिलके, और मे भी अब भी वो आंटी जो है मेरे व्लॉग वाला देख रही होंगी, तो थैंक यू सो मच आंटी इतना प्यार देने के लिए। तो चलो जानो बस मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करने जा रहा हूँ। आई होप आप सबको ये मार्केट का जो व्लॉग है पसंद आया और आपको कुछ समझ भी आया हो। जब आप मार्केट जाओगे ना तो आपको खुद ब खुद सब कुछ दिखने को मिल जाएगा, बस मैंने थोड़ा बहुत इसलिए आपको ऐसा दिखा दे कि आपको आइडिया हो जाएगी हाँ थोड़ा बहुत इस तरीके का कलेक्शन आया हुआ। सो यस जानो इंशाल्लाह हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जरूर चेक करना। और मैं आगे चल के अभी और कलेक्शन दिखाऊंगा सिलमपुर मार्केट के और भी मार्केट के ईद के लिए, तो यस ऐसे ही आप लोग बने रहना और व्लॉग्स के लिए। तो चलो यार चलो बाय बाय, मिले फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।